हाय गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्री टैलेंट में। मैं आज आपको बनाने सिखाऊंगा 300 जो मूवी थी उसमें जो हमारे मेन हीरो का जो मास्क होता है या फिर उसका मुकुट होता है वो। तो उसको बनाने के लिए हम लोग एक पीस लेंगे पाइप का और एक पेपर का जो कि 1/4 का साइज रहेगा। उसको आप ड्राइंग कर लीजिएगा, आप उसका मास्क का जो फेस होता है उसी के हिसाब से आप उसको ड्राइंग करके पाइप पे चिपका के फिर हम लोग काटेंगे उसको। तो मैं आपको दिखाता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, मैं ये पाइप को थोड़ा सा लपेट दे रहा हूँ, पूरा मतलब कंप्लीट करना है हमको। और उसी पेपर को हाफ में फोल्ड कर देंगे। हाफ में फोल्ड करने के बाद में उस पर ड्रॉ करेंगे फेस मास्क, जो उसका मुकुट होता है उसी का मास्क का हम लोग ड्रॉइंग करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं हाफ करके क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कट करोगे आप इसको तो दोनों साइड से सेम इक्वल साइजेस आ जाएंगे। अगर आप ड्रॉइंग करोगे थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है राइट लेफ्ट में, तो अगर हाफ करके आप ड्रॉ करोगे तो दोनों साइड में सेम ही रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं ड्रॉइंग कर चुका हूँ। अभी ये मान लो पेपर को मैं इसको जो ऐसा इसका डिज़ाइन है उसी के हिसाब से मैं काट दूंगा। तो काटने के बाद जब ओपन करूंगा तो आपको मिलेगा उसका जैसा है वैसे ही डिज़ाइन। आपको चाहिए तो मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में 300 मूवी का, आप वहाँ से मूवी भी देख सकते हो अगर आपको पसंद है, नहीं है तो इग्नोर कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको मैंने दिया है मास्क जो इसका डिज़ाइन था। अब इसी डिज़ाइन को हम लोग टेप से पाइप के ऊपर चिपका देंगे। आप देख सकते हो मैंने इसको चिपका दिया है। अभी हमको एक काम करना है, इसको काटना है, ठीक है। तो हम लोग एक्स्ट्रा जो इसका पीसेस है जो वाइट कलर का पेपर लगा हुआ उसका उसको छोड़ के बाकी का सब कुछ काट के हम लोग इसको हटा देंगे ताकि उसका फिनिशिंग पे हम लोग काम करें आगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं एजेस पे थोड़ा सा ध्यान देके इसको काट रहा हूँ। और जब भी आप इसको ट्राई करोगे, मतलब मैं बोल दूँगा कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहो चाकू यूज़ करते समय। आपको मुझे ये नहीं चाहिए कि आपका थोड़ा हाथ लग जाए, तो ध्यान से करिएगा जब भी आप इसको काट रहे हो। प्लास्टिक है, ईजिली कट जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट फिर भी केयरफुल प्रिकॉशंस लेके आप काम करो। हमने देखा था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा दिया था बट वो टूट नहीं रहा था, तो इस वजह से मैं जो वायर कटर होता है उसकी मदद से इसको काट के थोड़ा छोटा छोटा पीस निकाल दे रहा हूँ, ताकि वायर कटर में थोड़ा इजी हो जाता है इसको काट के निकालना। जैसे आप देख सकते हो कि एजेस पे कर रहा हूँ, और ये एजेस पे अगर आप चाकू में करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। नाइफ कटर बहुत पतला होता है और उस पर ज़्यादा प्रेशर आप डाल भी नहीं सकते, तो इसमें आपको जल्दी हो सकता है बट थोड़ा रफ एजिंग आएगा इसका, वो आप अपने नाइफ से इसको शार्पन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंने पूरा एक्स्ट्रा जो पीसेस था उसको काट के निकाल दिया है। अब बस हमें इस पर फिनिशिंग पे काम करना है। यहाँ पे देखिए, मैं टेप को निकाल दूंगा। मैं टेप को इसलिए निकाल दे रहा हूँ क्योंकि अभी तो हमें पता चल गया कि कितना हमको काटना था, हमने काट लिया। अब बीच में जब फिनिशिंग का जो काम आएगा उसको हम लोग बहुत ही बारीकी से देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमें एक्स्ट्रा काटना है और निकालना है, वो देख के हम लोग इसमें कर लेंगे। आपको मैं पेपर रख के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि वो जो उसका शेप है वो शेप आपको क्लियरली दिख जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी आँखों पे मैं जब काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी छोटी जो नाइफ होती है पेपर कटर उससे मैं काम कर रहा हूँ, ताकि इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा पतली चीज़ों में आपको काम करने में बहुत आसानी होगी।
मैं इसमें सैंडिंग भी कर दूंगा क्योंकि थोड़ा रफ हो जाता है एजिंग, और हम जो हाथ में इसको अंगूठी की तरह पहनेंगे तब कल लगेगा, तो इस वजह से मैं सैंड पेपर से घिस दे रहा हूँ ताकि वो जब हम लोग हाथ में पहनेंगे जैसे मैं दिखा रहा हूँ तब इसमें आपको चुभेगा नहीं कहीं पे भी। अभी तो मैंने इस पे मुकुट, इसका मास्क जो है पूरा बना लिया है, बट इस पे कुछ खामियां लगी मेरे को। जब भी ये वॉर में जाता है हमारा हीरो, तो उस हीरो के मुंह पे जब भी तलवार लगती है तो पहले मास्क को ही चीर फाड़ देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तलवार के जो मार्क्स होते हैं या फिर उसका कट लग जाता है हेलमेट पे, तो ये वाले कट हम लोग यहाँ पे डिटेलिंग में बना देंगे क्योंकि जब थोड़ा डिटेलिंग हो जाता है तब बेटर लुक आता है इसका। आप देख सकते हो कि मैं तीन चार जगह से इसको कट लगा दे रहा हूँ, जब भी ये कोई देखेगा तो इसको लगेगा कि यहाँ से तलवार लगी थी तो कटा था यहाँ पे। मतलब टूटेगा नहीं, लोहे का आता है ओरिजिनल वाला, हम लोग तो प्लास्टिक में बना रहे हैं, इसका तो रेप्लिका है। और जो थोड़ा इसका रफ फिनिशिंग था, पाइप थोड़ा बहुत घिस गया था, तो इसकी वजह से मैंने इसको ब्लैक जो स्टिकर होता है टेप टाइप का वो लगा दे रहा हूँ ताकि वो बहुत ही अच्छा लुक आएगा और आपको एकदम मतलब न्यू फिनिश लुक आएगा इसमें। आप देख सकते हो उसको भी मैं अच्छे से लगा के काट रहा हूँ, सिर्फ अपने शेप जैसा है वैसे शेप के हिसाब से, तब ये मतलब पूरा लगने के बाद में जब चिपक जाएगा अच्छे से तब आप देखिए इसका और कितना बेटर रहेगा ये डिज़ाइन में। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो कट मार्क्स था हमने उस पर भी थोड़ा सा अपने नाखून से कर दिया है पंचिंग, तो वो और भी अच्छा निखर के आ गया है। अगर आपके आपको ये पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए